टॉक अबाउट न्यूट्रिशन चिल्ड्रन। न्यूट्रिशन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन मतलब हमारी बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा एनर्जी पाने के लिए फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया जाना और उन फूड पार्टिकल्स में से एनर्जी रिलीज करना। तो हम ये जानते हैं कि हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एनर्जी के लिए हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से एनर्जी पाने के लिए फूड खाता है या फिर फूड बनाता है। तो हम पहले न्यूट्रिशन के बारे में सिंपल शब्दों में जाने। फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड तो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज और सबसे सिंपल फूड जो होता है वो होता है ग्लूकोज, दैट इज शुगर, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च और उस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें तो वो है स्टार्च। प्लांट्स स्टोर फूड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम ये जानते हैं कि प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो स्टोर करते हैं या तो फ्रूट्स के फॉर्म में या वेजिटेबल्स के फॉर्म में, और वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, दैट इज द स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स जो है फूड को स्टोर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो वो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। फूड को बॉडी के अंदर लेना, ये होता है जो सेल है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेता है, अपने सेल के अंदर फूड को लेता है और उसमें से एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब मतलब किस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है, कैसे हम पोषण प्राप्त करते हैं। इट मींस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। फूड को पाने के कौन से तरीके होते हैं, देयर आर टू मेथड्स। वन इज ऑटोट्रॉफिक, अदर इज हेटरोट्रॉफिक। वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब नाम से ही क्लियर है, ऑटो मींस सेल्फ, अपने आप। ऑटोट्रॉफिक अपने आप बनाना, दैट इज ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, ओके, वो अपना खाना खुद बना रहा है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, उनकी हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। They have chlorophyll. उनमें chlorophyll होता है। Green plants में chlorophyll होता है, which traps sunlight. Green plants are autotrophs as they have chlorophyll, which traps sunlight. जो sunlight को trap कर लेता है। इस equation की तरफ ध्यान दें। Carbon dioxide के 6 molecules, water के 6 molecules, they are mixed together, they form ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज द फूड वी टॉक अबाउट। ये है वो फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विल गिव अस फूड प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना खाना अपनी बॉडी में खुद नहीं बना सकता, बट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। द नॉन ग्रीन प्लांट्स ईस्ट आर ऑल्सो हेटरोट्रॉफ्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, जो ग्रीन नहीं है, वो क्लोरोफिल में नहीं है, वो सनलाइट ट्रैप नहीं कर सकते, तो वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते जो हमने पहले पढ़ा। सो वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स।
Now we talk about nutrition, the types of heterotrophic nutrition. Heterotrophic जैसे हमने पढ़ा कि हम वो food किसी और की body से लेते हैं, that is known as heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition में भी तीन types होते हैं. पहला type saprotrophic, दूसरा parasitic, तीसरा holozoic. अब ये तीन types हैं क्या? सबसे पहले हम जाने saprotrophic के बारे में. In this type of nutrition, organism obtains its food from decaying organic matter. Saprotrophic food में और nutrition में क्या होता है? जो organism होता है, वो अपना खाना जो है, अपना food जो है, वो decaying organic matter से ले रहा होता है. Decaying यानी जो plants या सड़ रहे हैं, जैसे जो trees हैं, वो काट दिए गए, वो जंगल में पड़े हुए हैं और वो डाई आउट हो गए, मर गए, ऐसे प्लांट्स हैं, उन ट्रीज में न्यूट्रिएंट्स होता ही है, उनके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रो करना, जैसे कि मशरूम्स, ओके, वो उनमें से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, डीकेइंग, डीकेइंग मतलब जो सड़ रहा है, सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर में से, जैसे डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स. Sapro means rotten. Sapro means rotten. सड़ रहा है. उसमें से जो nutrients को लेते हैं, ऐसे organisms को हम लोग saprophytes कहते हैं. क्या कहते हैं? Saprophytes. और इस type के nutrition को कहते हैं हम saprotrophic nutrition. इसके examples अगर हम देखें तो it is most common fungi, bread mold. जिसे ब्रेड सड़ जाती है, ब्रेड के ऊपर ग्रीन कलर की फंगस आ जाती है, सो दैट इज डूइंग saprotrophic न्यूट्रिशन. ब्रेड मोल्ड एंड मशरूम्स, मशरूम्स हम सब खाते हैं, तो जो मशरूम्स होते हैं वो भी इसी टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, वो डेड प्लांट्स में से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेता है और बिना उसको मारे. ओके, सो हियर वी रीड, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से वो फूड ले रहा है विदाउट किलिंग इट. द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन्स द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट. वो ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है हम उसे कहते हैं पैरासाइट. उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट. और जो ऑर्गेनिज्म फूड दे रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट. जिसकी बॉडी से फूड लिया जा रहा है उसको कहते हैं होस्ट. इसको बेहतर तरीके से एग्जाम्पल से समझें, सो राउंडवॉर्म. Roundworm is a common intestinal parasite of man. Roundworm की बात करें, so वो human being में से, वो human being की intestine में पाया जाता है, वहाँ से वो nutrients लेता है. Its shape is almost like this. This is what we call a roundworm. This is what we call a roundworm look like. Roundworm ये हमारे human body की intestine में पाया जाता है. Another plasmodium. दूसरा कौन है? Plasmodium which causes malaria is a parasite. Plasmodium जो malaria करता है वो भी एक parasite है. दूसरे examples lice. हिंदी में हम कहते हैं जूम. Leeches and tapeworm. ये सब भी parasitic न्यूट्रिशन करते हैं. Now we talk about holozoic nutrition. Holozoic nutrition में क्या होता है? Organisms complex food materials को direct अपनी body में through some organ अंदर लेते हैं. Intake of food, that is known as ingestion. जैसे कि human beings, हम खाना खाते हैं, ingest करते हैं. That is known as ingestion. Okay, food का ingestion होता है. Then उसको break down करते हैं छोटे छोटे parts में, that is known as digestion. उसको digest करते हैं, then उस छोटे छोटे parts में से
फूड को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड सेल्स में वो फूड पहुंच जाता है, फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड पार्टिकल्स आर फर्स्ट इनटेक डाइजेस्टिव एंड देन दे आर ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस दैट इज डाइजेशन एंड देन दे आर एब्जॉर्ब बाय द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. And for example, a man, dog, cat, and other animals. Now, nutrition in plants. हम plants में nutrition के बारे में जानते हैं कि plants autotrophic कहलाते हैं. वो अपना खाना खुद बनाते हैं. मतलब वो कौन सा process करते हैं? वो करते हैं photosynthesis. Photo means light. Synthesis means mixing together. So, we know that what do they do? वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर का मिक्सअप करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6. इट इज नथिंग बट ग्लूकोज. C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है. वो ये ग्लूकोज बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. इस प्रोसेस को इस डायग्राम से अगर हम अच्छे से समझें तो लीफ, ग्रीन लीफ में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है. क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करती है और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ग्लूकोज सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. सो वी कैन सी सम दिस प्रोसेस इन थ्री पॉइंट्स. प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी. एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट का एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल. दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट into chemical energy. What is the second step? Conversion of light into chemical energy. Splitting of water into hydrogen and oxygen. Water का दो parts में break हो जाना, hydrogen and oxygen में, by light energy. Third, reduction of carbon dioxide by hydrogen to form carbohydrate. Carbon dioxide का reduce होना by hydrogen, hydrogen से to form carbohydrate. क्या बनाने के लिए? Carbohydrate बनाने के लिए. That means carbon dioxide में से carbohydrate बन रहा है. That is we are seeing here water molecule का breakdown हो जाना hydrogen और oxygen में, then hydrogen का carbon dioxide का mix हो जाना और glucose बनाना and thereby oxygen जो है वो release हो जाना. This whole process is known as photosynthesis.